ओमिक्रॉन से दहशत के बाहर देशों से भारत आने वालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की। विदेशों से आने वालों को दिखाने होंगे दस्तावेज, पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखानी होगी। 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। साउथ अफ्रीका से दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचा शख्स। कनाडा में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री। ओमिक्रॉन के दो मामले आए सामने। नाइजीरिया की यात्रा करने वाले दो लोगों में पुष्टि हुई है। संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। देश में कोरोना मामलों में कमी आई है। 24 घंटे में 8,309 नए मामले सामने आए हैं। 9,905 लोग स्वस्थ हो गए हैं। 236 लोगों की मौत। अभी 1,03,859 एक्टिव केस। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उत्तराखंड की बात करें तो बॉर्डर्स पर बाहरी राज्यों से आने वालों की कोविड जांच की जाएगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोरोना टेस्ट कराना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 7 सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड पुलिस के 2 कर्मचारी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आए थे ऋषिकेश। सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों ने चलाया टीकाकरण अभियान। नक्सल प्रभावित चुनचुना और पुंदाग गांव में टीकाकरण किया गया। बलरामपुर के डीएम कुंदन कुमार की ओर से जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि 50% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में आया भूकंप। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.6 मापे गए। भूकंप की तीव्रता कहीं जान माल के नुकसान से जुड़ी कोई खबर नहीं। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान। शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। आज कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश किया जाएगा। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। बीजेपी कांग्रेस में सभी सांसदों को जारी किया गया व्हिप। संसद की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया गया है। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। कहा आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। दिल्ली में आज से फिर से खुले स्कूल। सभी कक्षाओं के लिए खोले गए स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किए गए थे बंद। अन्य शिक्षण संस्थान भी आज से खुले। राजधानी दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते आज बंद स्कूल एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल के वाहन बंद। मंडी दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम की ओर से किया जाएगा। फतेहाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश। रोजाना 1500 सैंपल लेने के आदेश। ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए पहले कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। पानीपत में बुलेट चोरों की दस्तक। वार्ड नंबर 19 से चोरी की गई बुलेट बाइक सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अंबाला में बदमाशों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक महिला गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस जांच में जुटे। करनाल के नीलोखेड़े निवासी अमनदीप के हत्यारे का खुलासा। अमनदीप की पत्नी रविंद्र कौर ने की प्रेमी संग मिलकर करवाई थी हत्या। पानीपत में तेज रफ्तार बस का कहर। असंद रोड पर बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर मौत। मृतक के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। किसान संघर्ष समिति की सरकार से मांग। सेब का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई। भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर जमा पानी। सड़क पर पानी जमा होने के चलते फिसली कार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों का आतंक देखा गया। आखिर दबंगों के डर से परिवार ने पलायन कर लिया। आखिर दूसरे गांव में किराए के घर पर रहने को मजबूर। सहारनपुर में सीमेंट व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। बदमाशों की तलाश में जुटी।